वेलकम बैक टू अर्थ गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप लाइफ साइंस से सीएसआईआर के एस्पिरेंट्स हैं तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। जिन लोगों ने इस बार जून 2024 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए अभी ये टाइम बड़ा ही पैनिक है, वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का कि कब फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट्स रिलीज होंगे। बट जिनका मार्क्स कट ऑफ के क्राइटेरिया से काफ़ी दूर है, दैट मीन्स काफ़ी कम है, उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट साइकिल के लिए, दैट मीन्स दिसंबर 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत डिले से एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट आ रहा है। तो आई डोंट नो कि अभी आपको दिसंबर में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सब कुछ टाइमली हुआ तो फिर आपके लिए टाइम बहुत ही कम है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जिनका मार्क्स बहुत ही क्लोज में है और जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है वो लोग इंतजार करें तो समझ में आता है, उनके लिए ठीक है। बट जिनके मार्क्स बहुत ही कम है और उनको एग्ज़ाम में अपियर होना है तो उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको कि मोस्ट कॉमनली फ्रेट टेक्निक के नाम से जाना जाता है। देखेंगे डिटेल्स में कि क्या इस टेक्निक का प्रिंसिपल है, किस तरीके से ये बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाइड किया जाता है और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दैट इज फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्रेट टेक्निक है जो कि मोस्ट कॉमनली आपको फ्रेट के नाम से ही दिया जाता है। सीएसआईआर के पार्ट सी में इसे कई बार सवाल पूछा जा चुका है, पार्ट बी में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि फ्रेट टेक्निक को किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, डीएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से इंटरेक्शंस के बारे में लेकर के सवाल पूछा जाता है। सो अगर यहाँ पे बेसिकली समझें तो सिंपली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल साइंस में सभी जितने भी रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि जो भी सेल के इनसाइड में चल रहे हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में दो कोई अगर मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शंस कैसा हो रहा है, कहाँ पे जाकर के वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उनका इंटरेक्शंस हो रहा है, कौन सा वो लोकेशन है जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ जानने की क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, राइट। और इस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी टेक्निक होती है जहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स को फ्लोरेसेंटली लेबल कर देते हैं और उससे उनकी लोकेशन तो पता चल जाती है और कुछ रिजोल्यूशन लिमिट के, जैसे लाइक अगर देखा जाए तो 200 नैनोमीटर और समथिंग 0.2 माइक्रोमीटर तक का रिजोल्यूशन जो लिमिट होती है, उतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट होते हैं तो नॉर्मली आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से पता कर पाते हैं। बट सवाल जब आता है कि जो भी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक जब प्रोटीन है तो दो प्रोटीन का इंटरेक्शन बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन और वो दैट इज इंटरेक्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, इस चीज़ का पता लगाना नॉर्मल जो आपकी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होती है उससे पता करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की लिमिट होती है रेजोल्यूशन की, और उस रेजोल्यूशन लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपका क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो उससे पता आप नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिमिटेशंस को शॉर्ट आउट करने के लिए एडवांस टेक्निक डेवलप की गई जहाँ पे बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि नैनोमीटर के डिस्टेंस में भी क्या है, आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उस मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस को आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिसाइजली पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इंटरेक्ट हुआ है, मतलब इंटरेक्शंस हुआ है या नहीं है। सो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, दैट मीन्स फ्रेट जो टेक्निक है वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है और किस तरीके का इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, दैट इज फ्रेट, इज अ टेक्निक दैट मेजर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बाय ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो वर्ड की यूज किए गए, दैट इज अ डोनर मॉलिक्यूल, मीन्स एक कोई मॉलिक्यूल होगा जो कि एनर्जी को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीविंग हैंड वाला जो मॉलिक्यूल होगा उससे आप रिसीवर बोलेंगे, और एनर्जी जो एक्साइटेड करके रिलीज करेगा उससे आप क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स से दूसरे मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और उसी एनर्जी के ट्रांसफर होने के रेट से या उसी एनर्जी के जो ट्रांसफर हो रही है उसके वेवलेंथ को लेकर के, कलर को लेकर के हम ये पता कर पाते हैं एग्जैक्टली में यहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल होगा जब एक्साइटेड होगा तो उसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी, और यहाँ पे जब ये रिलीज करेगा मीन्स एब्जॉर्ब करेगा, ये जो मीट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग होगी। ये सब कुछ हम लोग भी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फ्रेट एक ऐसी टेक्निक है जो कि बायोलॉजिकल साइंस में
मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शंस को क्या करता है, मेजर करता है या पता लगाता है, और वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, एक आपका डोनर मॉलिक्यूल, दूसरा आपका रिसीवर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होने का क्या होता है कॉन्सेप्ट आता है। नॉर्मली कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि फ्लोरिसेंस में रेजोनेंस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस एनर्जी एक नॉन रेडिएटिव एनर्जी होती है। नॉर्मली आप फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी में जो भी चीज़ पढ़ते हैं वहाँ पे रेडिएशंस के मीडिएटेड थ्रू होता है, मतलब वहाँ पे सम एनर्जी क्या होती है, रेडिएट आउट होती है। जबकि रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, दैट इज ये नॉन रेडिएटिव एनर्जी है। मीन्स आपका फ्लोरिसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर जो मेथड है वो एक नॉन रेडिएशन मेथड है। आपको ये कभी कभी पार्ट बी में सवाल आपसे पूछा जाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब नॉन रेडिएटिव एनर्जी है, और उसी के ट्रांसफर होने से मॉलिक्यूल्स के इंट्रैक्शंस को हम पता कर सकते हैं। यही इसका क्या है, मेन थीम है। अ फेनोमेना इन विच एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर एनर्जी टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल थ्रू अ नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। ये वर्ड यहाँ पे दिया गया कि एक ऐसे ही फेनोमेना जहाँ पे एक एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल, सपोज यहाँ इस केस में मान लीजिए ए है जो कि एक डोनर मॉलिक्यूल है, ये एक्साइटेड होता है और ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफर करेगा दूसरा मॉलिक्यूल दैट इज द बी के पास, और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी मीन्स जो जाएगा वो नॉन रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू, मीन्स यहाँ पे कोई रेडिएशन इमिट आउट नहीं होगा, और ये जो एनर्जी होगी उसी को आप रेजोनेंस एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे नॉन रिलेटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अनदर मॉलिक्यूल, देन वन मॉलिक्यूल विल नोन एज दैट इज द एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल, दूसरा क्या होगा आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज हाईली डिस्टेंट डिपेंडेंट रेडिएशन लेस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ पर बताया गया कि ये जो फिनोमेना है यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या सारे मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रेट टेक्निक का अप्लाई करना या यूज करना पॉसिबल होगा? सो आंसर इज नो। दो कोई मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रेट टेक्निक अप्लाई किया जा सकता है और उन्हीं मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन आप पता कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी हाईली डिस्टेंट डिपेंडेंट प्रोसेस, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड अदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे सवाल एग्जाम में देकर के पूछा भी जाता है। रेडिएशन लेस दैट मीन्स यहाँ पे कोई रेडिएशन एनर्जी इमिट आउट नहीं होगी, दैट मीन्स ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर होने का। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ऐसे ही टाइप के पॉइंट दे करके या पूछ लिया जाएगा कि फ्रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या फ्रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है। आपको ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे, डिस्टेंट डिपेंडेंट, रेडिएशन लेस या नॉन रेडिएटिव, इस तरीके के ऑप्शंस बना करके आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे वही पॉइंट रखे गए हैं जो पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे थ्योरी आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बता सकता हूँ, और आपके पास अगर बुक है तो उस बुक में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सारे टेक्निक्स को पढ़ने के लिए बेहतर होगा कि आप रिसर्च आर्टिकल को पढ़ा कीजिए, क्योंकि उनमें एकदम एडवांस और न्यू चीज़ें मिल करके आती हैं। बुक्स क्या होती हैं, 4 साल 10 साल 8 साल पहले की प्रिंट की गई होती हैं, तो उनमें नई नई जो चीज़ें होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक कि उस बुक का रिवाइज्ड एडिशन नहीं आता है। तो बेहतर होगा कि जो आप टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको आप रिसर्च आर्टिकल से पढ़ा कीजिए। रिसर्च आर्टिकल्स आपको एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट और एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, बताता है। आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज इन दिस एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस टू फ्लोरोफोर इंटरैक्ट विद ईच अदर। फ्लोरोफोर का मतलब हुआ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास फ्लोरेसेंस प्रोसेस को या फिनोमेना को शो करने की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है जो कि एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, राइट। वन एक्ट एज डोनर एंड अदर एक्ट एज एक्सेप्टर। एक जो होगा फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, डोनर का काम करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। डोनर का मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी को क्या करेगा, एक्साइटेड होगी, इमिट करेगा, और वो क्या दूसरा क्या करेगा, उसे रिसीव करेगा। द डोनर फ्लोरोफोर एब्जॉर्ब द रेडिएशन एंड एनर्जी। जो डोनर मॉलिक्यूल जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल स्टार्टिंग से ए लेता आ रहा हूँ, ये मान लीजिए डोनर मॉलिक्यूल है, तो ये डोनर मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका एनर्जी को यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, राइट। एक्सेप्टर फ्लोरोफोर क्या करेगा, दैट इज उस एनर्जी को क्या करता है, दैट मीन्स जो वहाँ पे उससे एब्जॉर्ब हुई है उसकी एनर्जी को क्या करेगा, रिसीव करने का काम करता है, राइट। तो क्राइटेरिया क्या है फ्रेट टेक्निक को होने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिस कंडीशंस में या जिस सिचुएशंस में आप फ्रेट टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं या फ्रेट टेक्निक आपका वर्क करेगा, तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं, दैट इज डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मस्ट बी इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है ये,
डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही नॉमिनल होना चाहिए, दैट मीन इट मस्ट बी अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, पास पास में प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि ये जो एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, उस एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, और ये बी मॉलिक्यूल जो कि एक्सेप्टर है वो उसे क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो पहला क्राइटेरिया आपको दिया गया कि इनका पास पास में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सेप्टर मस्ट ओवरलैप टू फ्लोरिसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डोनर। मीन्स बता रहा है कि यहाँ पे जिस वेवलेंथ की लाइट इस डोनर मॉलिक्यूल के द्वारा क्या कहता है एब्जॉर्ब किया जाता है, उस वेवलेंथ की लाइट का, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे एक्सेप्टर है वो जो इमिशन मतलब लाइट को इमिट आउट करता है, यहाँ पे इमिशन करेगा कुछ, इन दोनों की स्पेक्ट्रा एक रेंज में ओवरलैप करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा वेवलेंथ का गैप होगा, तो वहाँ पे फ्लोरिसेंस मतलब फ्रेट जो टेक्निक होगी वो काम नहीं करेगी और वहाँ पे कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरलैप से क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ओवरलैप से मतलब यही होता है कि हाँ, जिस रेंज की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसी से समवॉट थोड़ा बहुत डिफरेंट जो लाइट हो रही क्या हो, इमिट आउट हो रही हो। यहाँ पे फिगर की हेल्प से आप समझिए, आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला जो पॉइंट है स्पेक्ट्रल ओवरलैप का क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि डोनर स्पेक्ट्रा और इसके बाद एक्सेप्टर एक्साइटेड स्पेक्ट्रा। अगर बेसिकली इनके बीच के जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे नो फ्रेट दिखा गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी फ्रेट ऑब्जर्व नहीं होगा। जबकि जब इनका वेवलेंथ ओवरलैप कर रहा हो, मतलब कि कुछ पार्ट एक्साइटेड वाले का एनर्जी का जो है वो और इमिशन वाले का, दोनों का मतलब कि जो डोनर है और जो रिसीवर है उनके वेवलेंथ के कुछ पार्ट यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैचअप कर रहे हो, तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, यहाँ पे फ्रेट जो है वो ऑब्जर्व होगा और आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो इमिशन स्पेक्ट्रा है, मतलब ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस लाइट की वेवलेंथ फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक रेंज में है, जैसे 200 से लेकर के 250 के बीच में फॉर एग्जाम्पल, और ये जो लाइट यहाँ से इमिट आउट हो रही है इसकी भी रेंज क्या है, मान लीजिए 220 से लेकर के आपका 250 तक है, तो ये यहाँ पे 220 250 ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, मतलब ये इनके बीच में लाई करता है, यही पार्ट आपको दिखाया जा रहा है कि सम वॉट जो रेंज है वो उनका ओवरलैप करना चाहिए। अब ओवरलैप करेगा तभी यहाँ पे फ्रेट टेक्निक क्या होगी आपकी, हैपन हो पाएगी, मीन्स ऑब्जर्व होगी। अदरवाइज अगर गैप बहुत ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 लाइट इमिट आउट कर रही है और इसका रेंज इमिशन करने का मान लीजिए कितना है, 300 है, तो अब यहाँ पे सपोज कि 200 से लेकर के 250 तक का ये एब्जॉर्ब कर रहा था, और ये 350 से 300 से लेकर के 350 तक का क्या कर रहा है, इमिट आउट कर रहा है, तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा हो, ओवरलैप मतलब मैच कर रहा हो, तो बेसिकली यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा और इस गैप के प्रेजेंस में मीन्स ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे फ्रेट टेक्निक आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा यहाँ पे दिया है ओरिएंटेशंस को लेकर के, या पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। तीन फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्टेंस में आपको बताया जा रहा है कि अगर डिस्टेंस की जो वैल्यू है 10 नैनोमीटर से क्या है, कम है, राइट, तो अगर अगर 10 नैनोमीटर से कम होगी तभी जाकर के आपको फ्रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो एग्जांपल आपको दिए गए हैं, एक में जहाँ पे 10 नैनोमीटर से फ्रेट की जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि जो आपका एक ये मान लीजिए CFP, ये क्या है आपका डोनर मॉलिक्यूल है और ये क्या है आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, राइट, तो यहाँ पे जो इनके बीच का गैप है वो क्या है, 10 नैनोमीटर से ज़्यादा है, लगभग 477 नैनोमीटर का, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग इनमें नहीं हो पाएगा, और इस ओवरलैपिंग जबकि ये वेवलेंथ है मान लीजिए सपोज ये इनके बीच का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इनके बीच में कोई फ्रेट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतनी दूर तक ये रेडिएशन ये जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगी, ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो पाती है। हालांकि ये जो नैनोमीटर दे रखा है ये लाइट का दे रखा है कि 405 नैनोमीटर की लाइट इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, और उससे डिफरेंट मीन्स, हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि जिस वेवलेंथ की लाइट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करेगा, डोनर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट क्या करेगी, वो इमिट आउट करेगी, क्योंकि एनर्जी वहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और आपको मालूम है कि अगर एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे फ्रेट जो है एब्जॉर्ब मतलब ऑब्जर्व नहीं होगा, जबकि यहाँ पे देखिए ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 नैनोमीटर से क्या है, कम है, तो बड़े ही आसानी से यहाँ पे फ्रेट एब्जॉर्ब हो गया है, मीन्स आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तीसरा है यहाँ पे ओरिएंटेशन का, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर करेक्ट ओरिएंटेशन में नहीं होंगे तो भी बेसिकली ये प्रोसेस जो है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। यहाँ पे दिखाया गया कि ये डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का जो ओरिएंटेशन है ठीक से नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेट नहीं दिखा है, जबकि यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपरली है, तो एनर्जी ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आएगी और इससे जो आपकी लाइट निकलेगी उस लाइट को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये इंटरेक्शंस हुए हैं। तो बेसिकली फ्रेट जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है किस पे, दैट इज अ वेवलेंथ जो एक्साइटेड और डोनर के थ्रू इमिट आउट किए जा रहे हैं, अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, उनके ओवरलैपिंग में और उनके बीच में डिस्टेंस में और उनके करेक्ट ओरिएंटेशन में। अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली होती हैं, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तब जा कर के ये जो टेक्निक है वो क्या होगी, यूजफुल होती है। देखते हैं क्या क्या इसका बायोलॉजिकल साइंस में एप्लीकेशंस होता है। तो नंबर पहला है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को पता करने के लिए फ्रेट टेक्निक यूज़ की जाती है। नाउडेज आज के टाइम में रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम चीज़ें प्रोटीन से रेगुलेट होती हैं, तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को पता करने के लिए आप फ्रेट टेक्निक का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये पार्ट बी वाले क्वेश्चन में आ चुका है। डिटेक्टिंग स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर वेसाइकल्स, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वेसाइकल्स होते हैं उनको पता करने के लिए भी फ्रेट टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग फ्रेट बेस्ड बायोसेंसर, फ्रेट बेस्ड टेक्निक बेस्ड बायोसेंसर भी लगाए जाते हैं, उनको वही भी मॉनिटर करने के लिए फ्रेट टेक्निक का क्या करते हैं, एप्लीकेशन मीन्स यूज करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको इस टेक्निक में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपना प्रॉब्लम अपनी जो डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा जल्दी जल्दी आपको हम रिप्लाई करेंगे। एंड वन थिंग मोर, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लाइफ साइंस CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिसंबर के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इस न्यू बैच का इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स के सब्सक्राइबर पहले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिस्काउंट है। ये सारे डिटेल्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे और अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।